ऋषि नाना की कंट्रोवर्सी के बाद बॉलीवुड में भूकंप सा आ गया है। आए दिन कोई न कोई महिला एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। जिसे देखो वो हैशटैग मी टू मूवमेंट की ही बात कर रहा है। वहीं अब टी सीरीज के चेयरमैन और गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार पर भी एक एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है। इस एक्ट्रेस ने हाल ही में एक ट्वीट करके बताया कि मुझे 3 फिल्मों में गाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन मुझे फिल्म से महज इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मैंने टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार के साथ सोने से मना कर दिया था। मैंने उन्हें ये कहकर मना कर दिया था कि मैं काम और प्लेजर के लिए किसी के साथ नहीं सोती हूँ। अगर फिल्म पाने के लिए ये सब करना होगा तो मैं बैकआउट करती हूँ। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि मैं इस बारे में 3 साल बाद बात कर रही हूं क्योंकि मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट है, लेकिन मैं ऐसी कई लड़कियों के बारे में जानती हूं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकती है। इस एक्ट्रेस के आरोपों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वहीं हाल ही में भूषण की बीवी दिव्या कुमार घोसला ने एक ट्वीट करके अपना गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने टी सीरीज को अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचाया है। लोगों ने तो श्री कृष्ण पर भी कई आरोप लगाए हैं। #MeToo अभियान का मतलब है कि समाज में फैली गंदगी को साफ करना। लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानकर दुख हो रहा है। वहीं दिव्या के बाद भूषण कुमार का भी गुस्सा फूटा है। उन्होंने इन सभी आरोपों को नकार दिया है और कहा कि मुझे यह जानकर बेहद गुस्सा आ रहा है कि किसी अनजान शख्स के द्वारा मुझे इस मीटू में घसीटा जा रहा है। मेरे खिलाफ लगाए जा रहे यह आरोप बेबुनियाद हैं। मेरी इस इंडस्ट्री में काफी इज्जत है और मैंने हमेशा अपने काम को प्रोफेशनल ढंग से किया है। यह ट्वीट मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, भूषण ने आगे कहा कि वो जल्द ही इस मामले की शिकायत मुंबई पुलिस के साइबर सेल में करने वाले हैं। वेल, अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले में कौन सा नया मोड़ आता है।